तो भाई लोगों, जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख ही सकते हो, अपने गेम के अंदर फाइनली मेंटेनेंस लग चुका है। और गाइस यार, आप सबसे पहले अपना गेम कैसे ओपन कर पाओगे उसके बारे में मैं आप सभी को आज के इस वीडियो में बता दूंगा। साथ ही में गाइस यार, अपने फ्री फायर मैक्स के साथ साथ अपने फ्री फायर के अंदर भी मेंटेनेंस लग चुका है, तो कैसे आप सभी अपना फ्री फायर अपडेट कर पाओगे इसके बारे में भी पूरी डिटेल्स आज के इस वीडियो में आप सभी को मिल जाएगी। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखना। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ ही में बेल वाले बटन को प्रेस करके और मैं जरूर से सेट कर देना ताकि मेरी सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। सो मेरे भाई लोगों, सबसे पहले तो मैं आप सभी को अपने गेम के अंदर आने वाली कुछ न्यू आइटम्स के बारे में फटाफट से बता देता हूं। सो गाइस यार, अपडेट होने के बाद आप जैसे ही गेम ओपन करोगे तो आप सभी को कुछ इस टाइप की अपनी लोडिंग स्क्रीन, लॉबी वगैरह देखने को मिल जाएगी। देख सकते हो यहाँ पर काफी सही सी होने वाली है। और जैसे ही आप अपना गेम अपडेट करोगे, गेम ओपन करने जाओगे तो आप सभी को ये सब देखने को मिल जाएगी। साथ ही में आपकी लॉबी वगैरह भी सब यही कुछ होने वाली है जैसे कि आप सभी ने अभी देखा। सो मेरे भाई लोगों, यहाँ पर अपने आगे बढ़ते हो और आप सभी को अपने अपडेट के बाद अपने यहाँ पर आप सभी देख सकते हो सीएस रैंक जो चेंज होगा उसमें आप सभी को अपनी M14 की गोल्ड कलर की स्किन मिलने वाली है। सो मेरे भाई लोगों, यहाँ पर अपने आगे बढ़ते हैं और देख सकते हो यहाँ पर आप सभी को एक न्यू पैट देखने को मिल रहा है, साथ ही में एक मिस्ट्री कैरेक्टर जिसके बारे में आप सभी को मैं पहले ही बता चुका हूँ। तो मेरे भाई लोगों, ये सभी आप सभी को अपने गेम अपडेट होने के 1 से 2 हफ्ते बाद अपने टॉप अप इवेंट के अंदर देखने को मिल जाएंगे। सो गाइस यार, फटाक से यहाँ पर बात कर लेते हैं आप सबसे पहले तो कैसे गेम अपना अपडेट कर सकते हो। तो गाइस यार, अपने एप्पल यूजर जो जो बंदे थे उनके अब यार प्ले स्टोर के अंदर भी और ऐप स्टोर के अंदर भी अपना फ्री फायर मैक्स आ चुका है। तो आप सभी यार अपना फ्री फायर मैक्स तो सिंपल प्ले स्टोर से अपडेट कर सकते हो। तो यहाँ पर अपने बात कर लेते हैं कि गाइस यार, आप सभी अपना फ्री फायर कैसे अपडेट कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पर आप सभी देख सकते हो अपने फ्री फायर के अंदर भी मेंटेनेंस बाय लोगों लग चुका है यार। तो गाइस यार आप सभी अपना फ्री फायर कैसे अपडेट कर सकते हो इसके बारे में आप सभी को मैं बता देता हूँ। तो गाइस यार, आप सभी को कुछ ही देर बाद अपने फ्री फायर के अंदर से मेंटेनेंस हट जाएगा, यानी कि भाई लोगों 5 बजे के आसपास। वैसे ही अगर आप अपना गेम ओपन करोगे तो आप सभी से भाई लोगों अपडेट अपने आप मांग लेगा, 200 से 300 MB का अपडेट मांगेगा। या फिर भाई लोगों, यहाँ पर एक और सिचुएशन बनकर आ रही है कि हो सकता है अब अपना फ्री फायर बंद हो जाए, क्योंकि फ्री फायर ने भी अनाउंसमेंट कर दिया था कि अब सिर्फ और सिर्फ फ्री फायर मैक्स ही इंडिया के अंदर चलने वाला है। तो अपने गेम के अंदर अगर फ्री फायर के अंदर अब मेंटेनेंस लग चुका है तो अपडेट नहीं आएगा तो मेंटेनेंस हटेगा ही नहीं। तो मेरे भाई लोगों, मेरे को जहां तक लग रहा है कि अब यार अपना फ्री फायर हो सकता है कि नहीं चले, लेकिन मैं आप सभी को एक जाते जाते गुड न्यूज ये बता देता हूं कि अपना फ्री फायर मैक्स का OB34 अपडेट होने के बाद साइज कम हो जाएगा प्ले स्टोर के अंदर, यानी कि कुछ MB का हो जाएगा। और उसके बाद भाई लोगों, आप वहां से डाउनलोड करके अपने 2 GB रैम तक के फोन में भी अपना गेम इजिली खेल सकते हो। जैसे अपना फ्री फायर चलता था वैसे ही अब अपना फ्री फायर मैक्स भी चलने लगेगा। सो गाइस यार, बात कर लेते हैं आखिरकार आप सभी को अपना गेम कब तक ओपन होते हुए देखने को मिलेगा। तो मेंटेनेंस तो अभी अपने 9:30 से लेकर 11:30 बजे के बीच में लग गया था। तो मेरे भाई लोगों, यहां पर अपने गेम आप सभी को अपने 5 से 5:10 यहां पर तो लिखा हुआ है कि स्टार्ट होते हुए देखने को मिलेगा, लेकिन गाइस यार, आप सभी को अपने 6 बजे तक ही गेम ओपन होता हुआ देखने को मिल जाएगा। तो मेरे भाई लोगों, आज के इस वीडियो में इतना ही था यार। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले बटन को भी प्रेस करके और मैं जरूर से सेट करते ही जाना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए तो आप सभी को सबसे पहले पता चल जाए।